नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो इंटरेस्ट माफी की बात हो चुकी है दोस्तों, और जो आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये बातें क्लियर कर दिया है, और जो एफिडेविट जो है उपलब्ध किया था, पेश भी किया था, कि हम जो है जो भी 8 प्रकार के लोन है उसमें अगर 2 करोड़ का जो अमाउंट है, उससे कम का जो अमाउंट है, हम उस पर इंटरेस्ट माफ करेंगे। और बहुत जल्दी मैंने जो है बैंक और कंपनी को आदेश भी जारी कर दिया है, और बहुत जल्दी ये लोगों को रिफंड मिलना चालू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन कौन से अमाउंट आपका रिफंड होगा, और दोस्तों आपको किन किन पे राहत मिलेगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग को बता दूं, जो आपका क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, बाइक लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है दोस्तों, और भी ऐसे कुछ एक दो कैटेगरी के लोन है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो लोग ये बोल रहे हैं कमेंट में, ट्विटर पे दोस्तों, जगह जगह सोशल मीडिया बोल रहे हैं कि भाई कौन कौन सा रिफंड होगा, मुझे ये तो कोई बता दे। दोस्तों आपका ना ही पेनाल्टी चार्ज माफ होगा, ना ही दोस्तों आपका ईसीएस बाउंसिंग चार्ज माफ होगा, ना ही आपका ओवरड्यू चार्ज माफ होगा। दोस्तों आपका मोराटोरियम के ऊपर दोस्तों जो आपका इंटरेस्ट लगा था दोस्तों, उसमें से कुछ अमाउंट दोस्तों आपको शायद रिफंड होना चालू हो सकता है। बाकी दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे हाई इंटरेस्ट चार्ज लगा था मोराटोरियम के ऊपर, और उसमें पेनाल्टी चार्ज भी जोड़ा गया था, क्या वो मुझे माफ रिफंड मिलेगा, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आपका दोस्तों वही अमाउंट रिफंड होगा जो मोराटोरियम पे इंटरेस्ट बैंक ने लगाया था, और दोस्तों उसका पूरा अमाउंट शायद आपको ना मिले। दोस्तों मैं आपको हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ, शाम को मैं वीडियो लाऊंगा दोस्तों, जो कि HDFC बैंक सामने आ चुकी है, और मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो मोराटोरियम इंटरेस्ट लगा दोस्तों, उसने जो है रिफंड कर दिया है, और हमारे कार्ड में क्रेडिट भी हो गया है। मैं आपको लाइव प्रूफ स्टेटमेंट दिखाऊंगा, नो फेक, किसी प्रकार का गलत चीज नहीं, रियल दिखाऊंगा दोस्तों, आप लोग वेट करना, शाम को मेरा वीडियो आएगा। तो मैंने उसी के आधार पर दोस्तों आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मुझे पेनाल्टी चार्ज दोस्तों करीबन 5.5 से 6 हजार रुपया लगा दोस्तों, 1 रुपया मेरा पेनाल्टी चार्ज दोस्तों माफ नहीं हुआ, और दोस्तों मुझे उसमें GST ओवर लिमिट चार्ज लगा दोस्तों, कोई पैसा माफ नहीं हुआ, मुझे वो पैसा पैड करना पड़ा। ओनली दोस्तों जो मोराटोरियम दिया दोस्तों मुझे बैंक ने, उसका जो इंटरेस्ट लगाया था, उसका दोस्तों मुझे कुछ परसेंट मेरे क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट किया गया है, बाकी का पैसा मुझे 1 रुपया नहीं मिला है दोस्तों। मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, किसी प्रकार का गलत चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मोराटोरियम का क्या हुआ, दोस्तों देखिए मोराटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग, काफी कंपनियां दोस्तों आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट का ऑटोमेटिक आपके अमाउंट को कन्वर्ट कर दे रही है सामने से मैसेज कॉल करके। दोस्तों कुछ कंपनियां ने शर्त रखा है, भाई आप मुझे अपना रीजन बताओ, आपके घर में लोग कैसे बीमार हुए थे, क्यों बीमार हुए थे, कारण था, मेडिकल दिखाओ, आपका लॉस कैसे हुआ, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कंपनी का सैलरी स्लिप दिखाओ, आप एक कंपनी के मालिक ने आपसे झगड़ा किया था, कि आपको जॉब से निकाल दिया था। दोस्तों इतना लंबा लंबा रीजन दे दिया है कि आप उस रीजन को पढ़ने के बाद ही आपको चक्कर आना चालू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो पर्सन एक नॉर्मल जॉब करते हैं, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब नहीं करते हैं, किसी ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे सैलरी स्लिप किसी प्रकार का ऐसा कुछ भी PF या कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों, वो बेचारे कहाँ से दिखाएंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे वही है चीजें, जिनके पास उपलब्ध है अगर वो दिखाएंगे तो शायद उनको मिल जाए। और दोस्तों अपने इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ, काफी पर्सन करीब दोस्तों 5 से 10% ऐसे लोग हैं दोस्तों जो जिनके पास ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, बाकी दोस्तों किसी के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है दोस्तों जो बैंक और कंपनी को दे सके। दोस्तों ये है पूरी सच्चाई जो मैं आपको बताया हूँ। दोस्तों समझ जाओ कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग जो है कुछ कंपनियां आपको सामने से दे रही है, बट कुछ कंपनियां ने जो रीजन रखा है वो रीजन उनका कोई पूरा नहीं कर पाएगा। बट दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में एक बात शेयर कर रहा हूं कि अगर जो कंपनियों ने ज्यादा इंटरेस्ट लगा दिया है और अधिक पेनाल्टी चार्ज लगा दिया है, अगर कंपनी बैंक ये सोचती है कि मैं 15 से 20 हजार अमाउंट के पीछे मैं 50 हजार रुपया इंटरेस्ट ले लूं, 30 हजार रुपया इंटरेस्ट ले लूं, 15-15 हजार रुपया इंटरेस्ट ले लूं, या डबल अमाउंट ले लूं,
दोस्तों इनकी ये सोच गलत है। दोस्तों देखिए, आपको पता है कि इतना ज्यादा अमाउंट कोई पैड कर नहीं पाएगा, तो दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में एक लोग की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सबकी है। तो क्या पूरे इंडिया में सभी लोग के ऊपर केस होगा, क्या सबका अकाउंट एनपीए होगा? दोस्तों समझ जाओ कि अगर कंपनी या बैंक अगर मोराटोरियम या लोन रिस्ट्रक्चरिंग का जो ऑप्शन अगर नहीं देती है तो इन लोग का पैसा दोस्तों आज नहीं तो कल डूबना ही है। क्योंकि दोस्तों अगर ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो कस्टमर जो है थोड़ा थोड़ा पैसा अपना कमा के अपनी रोटी या अपना पेट काट दोस्तों एमआई पैड कर पाएंगे। बट अगर आप ये बोल दो आप एक साथ पैड करो या दो किस्तें पैड करो तो कोई पैड नहीं कर पाएगा, ये सच्चाई जो मैं आपको बताया हूं दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों ये बातें क्लियर कर चुका है। अभी दोस्तों फाइनल आपे दोस्तों जो है शायद आज है 3 नवंबर, शायद दोस्तों आज आ जाए या कल आ जाए या डेट और बढ़ जाए दोस्तों मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। बट इतना सत्य है दोस्तों कि आपने एक फिल्म देखा था जिसमें सनी देओल ने क्या बोला था, तारीख पे तारीख वही बात दोस्तों। तो समझ जाओ कि तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है दोस्तों। कितने बिचारे ईसीएस पेनल्टी चार्ज देख के लुट गए, अगर वो बिचारे 1500 रखे थे तो वो भी चला गया किसी में ईसीएस में। दोस्तों यही है तारीख पे तारीख का पूरा कहानी। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोर्ट का आपने दोस्तों आज अगर 3 नवंबर को आता है तो मैं आपको जरूर नेक्स्ट डे बताऊंगा। अगर दोस्तों डेट बढ़ता है तभी मैं आपको बताऊंगा।